हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेडिजन फूड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की हमारी रेसिपी का नाम है पोहा टिक्की और हम आपको बताएंगे इसे बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ। पोहे की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले आप पोहे को गर्म पानी में 2 से 3 मिनट के लिए भिगो लें। जैसे कि आप देख सकते हैं, पोहा हमारा फूल चुका है। अब आप इसको छन्नी में निकाल लें और ठंडे पानी से धो लें। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसके लिए सबसे पहले पोहा, जिसको कि हमने अच्छे से सुखा लिया है। इसको हमने इसीलिए सुखाया है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे और हमारी टिक्की बहुत ही अच्छी बने। इसके बाद हमने इसके लिए लिया है आलू, जिसको हमने बॉयल करके और अच्छे से कद्दूकस कर लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे। इसके बाद हम लेंगे रिफाइंड, इसको शैलो फ्राई करने के लिए। हरी मिर्च, पीसा हुआ जीरा, लाल मिर्च, नमक, धनिया, आमचूर पाउडर या आप इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं, कड़ी पत्ता विच इज़ ऑप्शनल, धनिया, सूखा धनिया और क्रश्ड पीनट्स। पोहा टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक खुला बर्तन लें जिसमें हम पोहा डाल देंगे। इसको हाथ की मदद से आप अच्छे से क्रश कर लें। अच्छे से इसको क्रश करने के बाद, जैसे हम आटे को इकट्ठा कर लेते हैं वैसे ही आप इसको भी इकट्ठा कर लें। इसके बाद हम लेंगे आलू, इसमें हम सबसे पहले धनिया ऐड कर लेंगे। जीरा पाउडर, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, चाट मसाला या आमचूर पाउडर, इसको भी आप 1 से 1.5 स्पून ले सकते हैं। और इसके बाद हम आप डालेंगे क्रश्ड पीनट्स विच इज़ ऑप्शनल, बट इसका टेस्ट जो है वो इस टिक्की में बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इसको ज़रूर डालें। और इसके बाद हम इसका बैटर बना लेंगे इन दोनों चीज़ों को और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके। इसको आपको वैसे ही मिक्स करना है जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, उसी प्रकार से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसका बैटर रेडी कर लें। बैटर हमारा रेडी हो गया है। चलिए तो अब टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप अपने बैटर में से पहले पेड़ा ले लें और इसको हाथ की मदद से अच्छे से गोल कर लें और थोड़ा सा हाथ से ही दबा लें।
इसकी साइड्स को परफेक्ट शेप देने के लिए हम चकले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, चकले की मदद से आप इसकी साइड्स को अच्छे से गोलाई दे सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आपकी टिक्की बन गई है। शैलो फ्राई करने के लिए हम एक नॉनस्टिक तवा लेंगे, जिसमें आप थोड़ा सा रिफाइंड डाल लें। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट हम इसको शैलो फ्राई करेंगे और इसके ऊपर अपनी टिक्की रख दें। टिक्की को आप धीमी आंच पे ही पकाएं ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। हल्का ब्राउन होने के बाद आप इसको पलट लें और फिर इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लें। चलिए, तो टिक्की हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। दोनों तरफ से ये अच्छे से पक गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका। चलिए, तो अब इसे हम गरम गरम सर्व करते हैं। चलिए, तो टिक्की सर्व करने के लिए सबसे पहले एक प्लेट में हम टिक्की रखेंगे, जिसको कि आप हाथ से थोड़ा सा दबा लें ताकि जो चटनी है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी चटपटी चटनी। और हम ऐड करेंगे इसमें हमारी मीठी चटनी। इन दोनों चटनी की रेसिपी जानने के लिए मैंने जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और इन द एंड हम इसमें थोड़ा सा दही डाल देंगे ऊपर से, जो कि हमने अच्छे से मैश कर लिया है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, जिसको कि आप अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। और रेडी है आपकी पोहा टिक्की, जो कि देखने में ही बहुत 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 टेस्टी लग रही है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को भी ज़रूर 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 लाइक करें। चलिए, तो अब दोबारा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।